कांग्रेस सेवा दल बूथ स्तर पर चार चार सदस्य बनाएगा। अब लोकसभा चुनावों से पहले पूरी जिला में सेवा दल का एक मजबूत ढांचा तैयार किया जाएगा। यह बात मंडी में आयोजित सेवा दल की जिला स्तरीय बैठक के दौरान सेवा दल के जिला अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर ने कही। सेवा दल कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए ग्रास रूट पर कार्य करने के लिए जुट गया है, जिसके लिए सेवा दल ने मंडी जिला में सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत जिला के हर बूथ पर सेवा दल के चार चार कार्यकर्ता बनाए जाएंगे, जो बूथ स्तर पर आम जनता को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। यह बात गांधी भवन मंडी में आयोजित कांग्रेस सेवा दल की बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष महेंद्र ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर्तमान समय कांग्रेस सेवा दल का सदस्यता अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस सेवा दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। इस अवसर पर महेंद्र ठाकुर ने कहा कि देश की मोदी सरकार ने आम जनता के साथ छल किया है और बीते 5 वर्षों में वादा खिलाफी के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। इस अवसर पर महेंद्र ठाकुर, जिलाध्यक्ष, सेवा दल के अलावा कई गणमान्य मौजूद रहे। आज हमने अपनी मंथली बैठक का आयोजन किया, जिसमें हमने हमारा सबसे पहले हमने जो पुलवामा हमला हुआ अंत्यतियों का, उसमें जो हमारे शहीद हुए 42 फौजी शहीद हुए, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और साथ में हमारा जो बैठक का हमने एजेंडा रखा था, जिसमें कांग्रेस सेवा दल पूरे जिला मंडी में बूथ लेवल तक चार चार सदस्य बनाएगा और साथ में आने वाले लोकसभा की तैयारियों के लिए जो हमारा जिला में सिस्टम रहने वाला है उसके विषय में हमने चर्चा की। इसमें हमने मेंबरशिप का जो हमारा ड्राइव चला हुआ है, हर ब्लॉक में हम कांग्रेस सेवा दल के सदस्य बना रहे हैं, उस विषय में हमने अभी कार्य करना शुरू किया है, अभी वो लंबा चलेगा। परंतु सेवा दल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में को मजबूती के लिए जो राहुल गांधी जी ने हमारे को संदेश दिया है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में सेवा दल गांव-गांव तक जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में हम एक नई कड़ी और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ।